हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल इज। तो यहाँ पर आपको चार एलिमेंट की मैंने आपको बताना है। इन चारों एलिमेंट में से पीरियोडिक टेबल में किसकी आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है। ओके अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी, राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो होती क्या है, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम में से उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। ये क्या होती है, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। नाउ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं तो पहले उसका किसी गैसियस एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट विल बी नोन एज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसको IE1 से भी हम दिखाते हैं। ओके अब देखिए, यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन गिवन है, दूसरा आपको यहाँ पर रेडॉन गिवन है, ठीक है, हीलियम गिवन है, फ्लोरीन गिवन है। तो रेडॉन और हीलियम क्या होता है, दीज आर दी, ये आपकी नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है, ये दोनों ही क्या होती हैं, आपकी नोबल गैसेस होती हैं। हीलियम आपका क्या होता है, फर्स्ट पीरियड में ही प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन वाले जहाँ पे हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में, हीलियम भी फर्स्ट पीरियड में होता है। रेडॉन आपका क्या होता है, इसी हीलियम के ग्रुप में प्रेजेंट होता है कहीं बॉटम पे, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका 17th ग्रुप में प्रेजेंट होता है, हीलियम आपका यहाँ पर क्या 18th ग्रुप में प्रेजेंट है, राइट। हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, है ना। और फ्लोरीन क्या होता है, आपका 17th ग्रुप में प्रेजेंट होता है, कहीं यहाँ प्रेजेंट होगा, सेकंड पीरियड में ये प्रेजेंट होता है, हीलियम के नेक्स्ट वाले पीरियड में यहाँ पर कहीं होगा, राइट। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता है, बट न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बढ़ता जाएगा। ड्यू टू दैट यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर पुल बढ़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव यहाँ पर बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, न्यूक्लियर पुल आउटर इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जाएगा। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर बढ़ती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बिकॉज जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ओके अब होता क्या, टॉप टू बॉटम अगर हम आए किसी भी ग्रुप में तो क्या होता है, ये हम किसी अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, ठीक है, ये अक्रॉस द पीरियड हम ट्रेंड बता रहे हैं, जनरल ट्रेंड बता रहे हैं, जरूरी नहीं है वो आपका यही फॉलो हो, कहीं कहीं पर क्या होता है कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, बट ये आपका क्या है, जनरल ट्रेंड है। सिमिलरली हम टॉप टू बॉटम अगर किसी ग्रुप में जनरल ट्रेंड देखें आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो होता क्या है, देखिए टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से क्या होता है, साइज बढ़ता है एटम का, साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ जाती है। ड्यू टू दैट न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना इफेक्टिवली पुल नहीं कर पाता, दैट मीन्स यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव तो आपको न्यूक्लियर पुल है ना, तो ये डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू दैट क्या हो जाएगा, अगर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल कम हो गया है तो इलेक्ट्रॉन इजिली निकालना इजी होता है, सो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर क्या होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन की एनर्जी की बात करूं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर आपकी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जनरली आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इनका क्या कर लें, हम इलेक्ट्रो होना क्या चाहिए, यहाँ पर आपका लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो आपकी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपकी हीलियम की सबसे ज्यादा आ रही है ना, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज हो रही है तो रेडॉन की क्या हो जाएगी, आपकी हीलियम से भी कम हो जाएगी, तो दैट्स व्हाई तब भी आपकी हीलियम की ज्यादा आ रही है, राइट। हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 है। फ्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा, 5, राइट। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2, और रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास में होता है, दैट इज ज़िनान, यहाँ पर आपका आपके पास में आ जाएगा 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रेडॉन का हो गया। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, जो हीलियम है और जो रेडॉन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इनकी जितनी भी शेल्स हैं यहाँ पर क्या है, जो आपकी सब इनकी जो भी आपकी यहाँ पर सब शेल्स हैं, वो सारी की सारी क्या है, सारे के सारे ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। अब अगर हम हीलियम में देखें तो इसका भी क्या है, एक ही इसकी होती है वैलेंस शेल, फर्स्ट शेल इसकी वैलेंस शेल है, और वो क्या है, इसकी फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। जबकि अगर मैं फ्लोरीन का देखूं तो ये फुल्ली फिल्ड नहीं है। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी क्या, फुल्ली फिल्ड नहीं है। तो फुल्ली फिल्ड जो होता है आपका कन्फिग्रेशन, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हीलियम और रेडॉन के लिए आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयरेटिव टू द फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन दोनों के लिए तो हाईएस्ट हो ही नहीं सकती, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के लिए, है ना। तो रेडॉन और हीलियम अगर हम देखें तो हमने क्या कहा, टॉप टू बॉटम आते आते साइज बढ़ रहा था, है ना, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से साइज बढ़ा, साइज बढ़ने की वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियर पुल कम लगेगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, ड्यू टू दैट क्या हो जाएगा, आपका आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई यहां पर आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द रेडॉन विल बी लेसर देन हीलियम। तो इसलिए हाईएस्ट किसके लिए हो जाएगी, हीलियम के लिए हो जाएगी, है ना। इसलिए आपका ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।